हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ अपने चैनल पर टाइल्स को साफ करने का बहुत ही इजी सा तरीका। इस तरीके से आप टाइल्स को क्लीन कर लेंगे, साथ ही टाइल्स में बहुत अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी, वो भी बिना किसी एफर्ट के। मैं यहाँ पर आपको अपने बाथरूम की टाइल्स दिखा रही हूँ, जिसकी हालत कुछ यूं हो रखी है, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि 6 महीने साल भर निकल जाते हैं, टाइल्स को हम बहुत ज़्यादा रगड़ नहीं पाते, और जब दिवाली का टाइम आता है तब हम इसको साफ करने की जुगत लगाते रहते हैं। तो मैंने भी इसके लिए एक अच्छा सा सॉल्यूशन तैयार किया, जिससे आज हम अपने इस गंदे टाइल्स की क्लीनिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा डिटर्जेंट पाउडर। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल से डिटर्जेंट पाउडर लिया है, तो जो कि 2 चम्मच लिया है। इसके बाद से जो दूसरी चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है खाने वाला सोडा। 1 चम्मच खाने का सोडा लिया है, साथ ही 1 चम्मच भर के हम नमक लेंगे। तीनों चीज़ों को मिला लिया है। इसके बाद से मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ एक प्लास्टिक के बर्तन में, क्योंकि इसी में हम अपना सोल्यूशन बनाकर तैयार करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए दोस्तों, वो है ब्लू हार्पिक, जिससे हम लोग टॉयलेट क्लीन करते हैं। इस हार्पिक को थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ही हार्पिक डाला है, और हार्पिक डालकर फटाफट से इस सॉल्यूशन को आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स करते ही बहुत ही बढ़िया सा एक रिएक्शन होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है कितना ज़्यादा स्ट्रांग बना है। और इसे जब हम टाइल्स पे अप्लाई करते हैं तो 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते, जब हमारा टाइल्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। अब हमने ये सॉल्यूशन बना लिया है, इसको जब आपको क्लीन करना है तभी बनाइएगा, जिससे इसकी जो पावर है वो कम नहीं होगी। फटाफट से बनाइए और इंस्टेंट ही इसे अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद से मैंने ले लिया है एक स्क्रबर। आप स्क्रबर का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह के झाड़ू का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे जहाँ जहाँ पर टाइल्स पर गंदगी ज़्यादा है वहाँ वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। नीचे के पार्ट में आप देख रहे हैं मिट्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मैं इस सॉल्यूशन को लगा दूंगी। तो एक पूरे वॉल की टाइल्स पर ही मैंने इसको अप्लाई किया था, इतने में आराम से मेरे बाथरूम की एक साइड की पूरी टाइल्स अच्छे से क्लीन हो गई थी। जहाँ पर जमावट ज़्यादा है गंदगी की, वहाँ मैं पहले अप्लाई करती हूँ, और उसके बाद से आपके पास कोई स्क्रबर है, ब्रश है, या फिर टाइल क्लीनर, जो ब्रशेज होते हैं अलग से आते हैं, किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले पूरे टाइल्स पर इस सॉल्यूशन को लगा देती हूँ। लगाने के बाद आपको छोड़ना भी नहीं है, बस 1 से 2 मिनट में ही आपको इसको रब करना स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह का मेरे पास एक स्क्रबर है जो टाइल्स क्लीनर के लिए होता है, तो मैं इसी से रगड़ देती हूँ। और अगर आपके पास ये स्क्रबर नहीं है तो आप किसी भी तरह के ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे नॉर्मल रगड़ते ही आप देखेंगे कि मिट्टी जैसी एक लेयर सी छूटना शुरू हो जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीका है टाइल को क्लीन करने का। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, रगड़ते ही रगड़ते आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, या फिर सारी टाइल को रगड़ कर एक साथ पानी डाल दीजिए। अब इसके बाद से टाइल में थोड़ी सी डिज़ाइन है, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा फंसे होने की संभावना है, वहाँ के लिए मैंने एक हैंडी ब्रश ले लिया है, और इस ब्रश से ही हम अपने टाइल्स की क्लीनिंग कर देते हैं। टाइल्स के जो ग्राउट होते हैं उनमें भी गंदगी बहुत ज़्यादा फंसी होती है, तो उनकी भी क्लीनिंग आप इस तरीके से ब्रश की मदद से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से टाइल हमारा 5 मिनट में क्लीन होकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने टाइल्स को पानी डालना शुरू कर दिया है। पानी डालते ही टाइल्स में एकदम शाइन निकल के आ रही है, आपको लग ही नहीं रहा होगा। ये वही टाइल्स है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, बिल्कुल मिट्टी से भरी हुई टाइल्स थी, और इसे मैंने बहुत ही ईजी तरीके से क्लीन कर लिया है। बाथरूम की एक पूरी वॉल बहुत अच्छे से क्लीन होकर रेडी हो चुकी है। सामने वाली वॉल है जो मैंने अभी क्लीन नहीं की है, और इसके लेफ्ट साइड वाली जो वॉल है वो पूरी मैंने क्लीन कर ली है। तो आपको दोनों वॉल में अंतर साफ दिख रहा होगा कि कितना बढ़िया तरीके से हमारी टाइल्स जो है वो क्लीन हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने किचन के, बाथरूम के, वॉशरूम के, कहीं के भी टाइल्स बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।